मूवी की शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर से पता चलता है कि लाखों साल पहले गॉड ने अर्थ यानी पृथ्वी के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक अलग ही दुनिया बनाई जो कि समुद्र की गहराई में बसी हुई थी, जहां अलग ही तरह के लोग रहते थे जिनके पास अनोखी शक्तियां थी। इसके बाद हमें इसी दुनिया में एली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि दिल की बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो अपना ज्यादातर समय अपने दोस्त ओलिवर के साथ बिताया करती थी। ओलिवर भी मन ही मन में एली को काफी ज्यादा चाहता था लेकिन वो कहने से डरता था। ऐसे ही एक दिन इस दुनिया में एक खास तरह का त्योहार मनाया जाता है जिसमें हमेशा की तरह यहाँ के कुछ बच्चों को इंसानी दुनिया में भेजना था ताकि वो बच्चे भी इंसानी दुनिया को और अच्छी तरीके से जान लें और साथ ही ये भी देख सके कि कैसे उनके एल्डर्स इंसानी दुनिया की एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब इन बच्चों में एली भी थी जिसका नाम इंसानी दुनिया में जाने के लिए नॉमिनेट हुआ होता है, इसलिए एली भी अपने पेरेंट्स के साथ इस फेस्टिवल में आई थी। अब ओलिवर की दादी इस दुनिया की मुखिया होती है इसलिए वो एक जादुई मुखौटे की मदद से इंसानी दुनिया में जाने का पोर्टल ओपन कर देती है जिसके बाद एली सभी बच्चों के साथ रेड डॉल्फिन का रूप लेकर इंसानी दुनिया में आ जाती है। वो लोग एक समुद्र से बाहर निकलते हैं और सभी इंसानी दुनिया को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग हो जाती हैं। इसी बीच एली इंसानी दुनिया के दो भाई बहनों को देखती है जिनका नाम कुन और शाऊ होता है और वो दोनों उसी समुद्र के पास रहते थे और अपना ज्यादातर समय समुद्र की मछलियों के बीच खेलने में बिताया करते हैं। एली जब पहली बार कुन को देखती है तो उसे तुरंत ही उससे प्यार हो जाता है क्योंकि कुन एक बहुत ही प्यारा लड़का था जो कि अपनी छोटी बहन का ख्याल रखता और साथ ही समुद्र की मछलियों को भी काफी ज्यादा केयर करता था। अब धीरे धीरे समय बीतता है और अब एली के साथ साथ बाकी सभी बच्चों को उनकी दुनिया में वापस जाने का समय आ गया था, इसलिए एली अपने पोर्टल की तरफ निकल जाती है लेकिन तभी उसे रास्ते में ढेरों डॉल्फिन दिखाई देती हैं जो कि मछुआरों के जाल में फंसी हुई थी। इसलिए एली उनकी मदद करने लगती है पर गलती से वो खुद ही मछुआरों के जाल में फंस जाती है, मगर ये सब कुछ शाऊ ने देख लिया था और वो अपने भाई कुन को बताती है। तब कुन रेड डॉल्फिन यानी एली को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है और एली के पास जाकर चाकू से उसके जाल को काट देता है जिसकी वजह से एली भी आजाद हो गई थी, पर तभी पानी के बहाव के तेज होने की वजह से कुन वहीं पर डूब कर मर जाता है। ये देखकर एली बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी पर ना चाहते हुए भी उसे शाऊ को अकेले रोता हुआ छोड़कर अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ता है क्योंकि जल्दी वो पोर्टल बंद होने वाला था। अपनी दुनिया में पहुंचने के बाद एली सीधा अपने दादाजी के पास जाती है जो कि एक बहुत ही बड़े डॉक्टर थे और उनके पास जाकर एली उन्हें सब बता देती है। ये सुनकर एली के दादाजी उससे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ तो बस किस्मत का ही खेल है, पर उनकी ये बात सुनकर भी एली को लग रहा था कि ये सब कुछ उसकी ही गलती है, इसलिए वो एक पहाड़ी पर बैठकर सब कुछ सोचने लगती है। तभी वहाँ पास में बनी एक शेर की मूर्ति उसे बुलाकर कहती है कि तुम क्यों उदास हो। तब एली उसे कुन के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनकर वो पत्थर की मूर्ति एली को एक बेल देते हुए कहती है कि तुम्हें रात में यहाँ आकर ये बेल बजाना होगा। एली ऐसा ही करती है और रात के समय अपने घर से वो वहाँ के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में जाते हुए ओलिवर अपने घर की खिड़की से उसे देख लेता है और इतनी रात में एली को अकेले जाते देख उसका पीछा करने लगता है। अब एली मूर्ति वाली जगह पहुंचकर उस बेल को बजाती है। उस बेल की आवाज़ सुनकर एक अजीब सा क्रीचर वहाँ नाव लेकर आ जाता है जिसके बाद एली भी उस नाव में बैठकर उस क्रीचर के साथ निकल जाती है, पर ये सब कुछ ओलिवर देख रहा था। इधर वो क्रीचर एली को उस जगह पर ले आता है जहाँ उसकी मुलाकात सोल कीपर से होती है जो कि मरने के बाद सभी की आत्माओं को अपने पास रखते थे। अब सोल कीपर को भी एली सब कुछ बता देती है और उन्हें कुन को वापस से जिंदा करने को कहती है, जिस पर सोल कीपर उसे कहता है कि मैं आपकी मदद तो कर दूंगा लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी आधी जिंदगी देनी होगी। ये सुनकर एली बिना कुछ सोचे ही हाँ कर देती है। तब सोल कीपर एली को एक रूम में ले जाता है जहाँ सभी की सोल्स मछलियों के रूप में बंद थी। वहाँ जाकर सोल कीपर एली को कुन की सोल ढूंढने के लिए कहता है। तब एली तेजी से कुन की सोल को ढूंढने लगती है और उसके ढूंढने के बाद सोल कीपर एली की आधी लाइफ लेकर कुन की सोल को वापस से जिंदा कर देता है। साथ ही वो एली को बताता है कि तुम लोगों की सोल्स अब वापस में जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे मरते ही कुन की भी मौत हो जाएगी, इसलिए तुम्हें कुन की सोल का अच्छे से ख्याल रखना होगा जब तक वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी ना हो जाए। अब एली कुन की सोल को लेकर अपने घर में आ जाती है और उसे अपने बारे में सभी बातें बताने लगती है, मगर तभी वहाँ पर ओलिवर भी आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसने बुक्स में पढ़ा है कि ऐसी एक फिश पुराने जमाने में पाई जाती थी जो कि साइज में इतनी ज्यादा बड़ी थी कि कोई भी उसका नाप नहीं ले सकता था और वो फिश तो उड़ भी सकती थी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और साथ ही कुन की भी सोल बढ़ रही होती है। एक दिन ऐसे ही एली को पता चलता है कि कुन की सोल उस रहस्यमय फिश की तरह हवा में उड़ भी सकती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मगर टाइम के साथ इस दुनिया में एक इंसानी सोल होने के चलते यहाँ का मौसम खराब होने लगता है क्योंकि गॉड ने किसी भी इंसान को यहाँ लाने के लिए मना किया था। एक दिन एली की मॉम कुन को एक नॉर्मल फिश समझकर उसे पानी में बहा देती है। ये सुनकर एली बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, मगर तभी वहाँ पर ओलिवर भी आ जाता है और वो एली को एक गटर के पास ले आता है जहाँ इस दुनिया की नदियों का कूड़ा इकट्ठा होता था। अब वहाँ पहुँचने पर उन दोनों को ही कुन की आवाज़ सुनाई देती है। तब एली उसे लाने के लिए गटर में जाने लगती है लेकिन ओलिवर एली को रोक कर खुद ही गटर में कूद जाता है और कुन को ढूंढने लगता है, पर बहुत ढूंढने के बावजूद भी कुन उसे कहीं नहीं मिलता। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है जो कि रेट्स को कंट्रोल कर सकती थी। वो उन सभी को परेशान देखकर अपने रेट्स की मदद से कुन को गटर से बाहर निकाल देती है। ये देखकर एली बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और कुन के बड़ा होने की वजह से ओलिवर और एली उसे पास के कुएं में ही छोड़ देते हैं, लेकिन उनको ऐसा करते हुए एक बच्चे ने देख लिया था और वो सभी को इस बारे में बता देता है कि कुन और ओलिवर के पास एक अजीब सी मछली है जिसकी वजह से शहर वालों को उन दोनों पर शक होने लगता है। तब ओलिवर और एली कुन को छुपा
ऑलिवर उसे एक बंद पड़ी इमारत में बनी तालाब में ले आते हैं, जहां ऑलिवर को एक बॉक्स दिखाई देता है जिसको खोलने पर उसे एक स्नेक मिलता है जो कि एली पर अटैक करने ही वाला था कि तभी ऑलिवर उसे बचा लेता है और एली को बचाते समय वो स्नेक ऑलिवर को ही काट लेता है, जिसके बाद ऑलिवर तुरंत ही जहर से बेहोश हो गया था। एली रोते हुए उसे अपनी पीठ पर बैठा कर अपने दादाजी के पास ले जाती है, लेकिन एली के दादाजी बताते हैं कि जिस सांप ने ऑलिवर को काटा है उसका एंटीडोट अभी तक तैयार नहीं हुआ है, इसलिए ऑलिवर को बचाया नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद एली अपने दादाजी को ऑलिवर को किसी तरह से बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। तब एली के दादाजी उसे इतना ज्यादा दुखी देखकर ऑलिवर का सारा जहर अपने अंदर ले लेते हैं, जिसके चलते ऑलिवर तो बच गया था लेकिन उसके दादाजी उस जहर से मारे जाते हैं और उनकी बॉडी एक सुंदर से पेड़ में तुरंत ही बदल जाती है। अब इसके बाद थोड़ा समय बीतता है और इस दुनिया का मौसम और भी ज्यादा खराब होते जा रहा था। साथ ही एक दिन एली ऑलिवर को कुन के बारे में बता देती है कि असल में वो कौन है और कैसे उसने अपनी आधी लाइफ देकर कुन को बचाया था। ये सुनकर ऑलिवर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कुन को दूर पानी में छोड़ देता है, क्योंकि वो अपने प्यार एली को मरता हुआ देख नहीं सकता था। तभी ऑलिवर के पीछे पीछे एली भी वहाँ पहुँच जाती है और कुन को वापस लाने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि एली उसमें ही बेहोश हो गई थी। मगर तभी सही समय पर उस रेट वाली लेडी के रेट्स आकर एली को बचा लेते हैं। तभी कुन भी एली को बेहोश देखकर उसके पास आ जाता है। इसके बाद कुन एली को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है, मगर वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से ऊपर आते ही वो दोनों बेहोश हो गए थे। उसी वक्त ऑलिवर की नज़र उन दोनों पर पड़ती है और वो उन दोनों को ही अपनी पीठ पर बैठा कर एक गर्म जगह ले जाने लगता है, जहाँ जाते वक्त एली के जेब से वही बेल गिर जाती है जो कि उसे शेर की मूर्ति के पास मिली थी। ऑलिवर उसे अपने पास रख लेता है। अब गांव पहुंचने के बाद एली को जब होश आता है तब उसे लगता है कि कुन ने ही उसकी जान बचाई है, क्योंकि ऑलिवर वहीं छुप गया था। मगर वो उसके होश में आने से काफी ज्यादा खुश था और वो सोल कीपर के पास चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर इस दुनिया के बाकी लोगों पर जाता है जो कि यहाँ के बदलते हुए समय से काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ का पानी का लेवल बढ़ता है। इसीलिए वो इस सब की वजह ढूंढते हुए एली के पास पहुंचते हैं, जिसके पास वो लोग एक इंसानी सोल को देखकर समझ जाते हैं कि वही यहाँ के मौसम के खराब होने की वजह है। इसके बाद वो लोग कुन को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वो उसे वापस से सोल कीपर के पास भेज दें, जिससे वहाँ का मौसम ठीक हो जाए। अब एली कुन के साथ वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर ऑलिवर अपनी दादी का मास्क लेकर आता है। वो मास्क पहनकर इंसानी दुनिया का पोर्टल खोल देता है, लेकिन कुन टाइम पर पोर्टल को क्रॉस नहीं कर पाता और तभी पोर्टल बंद हो जाता है। उसी वक्त मौसम के खराब होने की वजह से वहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है, जिसकी वजह से एली कुन के साथ बहकर अपने दादाजी के पेड़ के पास पहुंच गई थी। तभी वहां पर शहर के दो लोग आकर कुन को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। तब एली जल्दी से कुन को वहां से जाने को कहती है और अपने दादाजी से मदद मांगने लगती है। तब एली के दादाजी अपनी कुछ टहनियां जलाकर एली की दादी को वहां पर बुलाते हैं, जो कि सभी पक्षियों में सबसे बड़ी थी। अब एली की दादी कुन को बचा लेती है। इसके बाद एली उन सभी को मुसीबत में फंसा हुआ देखकर उन लोगों की मदद करने के लिए वहां चली आती है, लेकिन लोग उल्टा एली को ही बुरा भला कहकर वहां से जाने को कह देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ एली की वजह से ही हो रहा है। ये सुनकर एली बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और दादाजी के पास जाकर अपनी बची हुई लाइफ को भी त्याग देती है, जिसकी वजह से वो अपने दादा के पेड़ के अंदर ही समा गई थी और इससे वो पेड़ और भी ज्यादा बड़ा होने लगता है और शहर के सभी लोग उस पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेते हैं। इधर एली के मरने से कुन की आत्मा भी काफी ज्यादा दुखी थी और एली की याद में वो पेड़ की टहनी तोड़कर हमेशा के लिए वहां से दूर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे सोल कीपर मिलता है जो कि एली की आधी ली हुई लाइफ उसे वापस कर देता है, जिसकी वजह से वो वापस से जिंदा हो जाती है। इसके बाद सोल कीपर एली को बताता है कि तुम जिंदा तो हो गई हो लेकिन तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं। आगे वो बताता है कि जब कुन की सोल अपनी दुनिया में चली जाएगी तब वो यहाँ की सभी यादें भूल जाएगा, इसलिए तुम कुन के साथ जितना वक्त बिताना चाहो बिता लो। अब एली कुन पर बैठकर कहीं जाने लगती है जो कि एक पेड़ के सहारे लटका हुआ था। इसके बाद वो दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता था। अब रात के समय ऑलिवर एली से पूछता है कि क्या तुम कुन के साथ रहना चाहती हो, जिस पर एली उसे कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब मेरे पास पावर्स नहीं बची हैं, इसलिए अब मैं पोर्टल को पार नहीं कर सकती। इसके बाद ऑलिवर एली से उसके बारे में पूछता है, जिस पर एली उसे कहती है कि वो सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनकर ऑलिवर को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो एली से छुपाकर खुद रोने लगता है, मगर अब भी वो एली को अपने दिल की बात नहीं बता पाता। अब इसके बाद अगली सुबह एली देखती है कि कुन बहुत बड़ा हो चुका है, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो कुन से अलग नहीं होना चाहती थी। साथ ही कुन की सोल भी काफी ज्यादा सैड हो गई थी क्योंकि अब वो भी एली से अलग नहीं होना चाहता था। तभी वहाँ पर ऑलिवर आ जाता है जो कि उस बेल की मदद से पोर्टल को ओपन कर देता है, जिससे कुन अपनी दुनिया में जा सकता था। लेकिन कुन को अलविदा कहते हुए एली बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए ऑलिवर उस बेल की एनर्जी सोर्स निकाल कर बेल को तोड़ देता है, जिससे उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ गई थी। फिर ऑलिवर एली को अपने हाथ पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन एली उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। तब ऑलिवर उसे बताता है कि मैंने सोल कीपर से अपनी पूरी जिंदगी के बदले तुम्हारी लाइफ वापस मांग ली थी, जिसकी वजह से मैं वैसे ही मरने वाला हूँ, पर मैं मरने से पहले तुम्हें सुरक्षित इंसानी दुनिया में छोड़कर आऊंगा ताकि तुम अपनी जिंदगी आराम से कुन के साथ बिता सको। अब यहाँ पहली बार एली को ऑलिवर के प्यार का एहसास होता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद ऑलिवर अपनी लाइफ खत्म करके एली को सुरक्षित इंसानों की दुनिया में छोड़ आता है, जहाँ उसे कुन मिलता है और यही वो दोनों लाइफ की नई शुरुआत
शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस पूरी मूवी में मुझे ओलिवर का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा प्योर हार्टेड लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे सच्चे प्यार का मतलब पता था और उसने लास्ट तक एली को बिना बताए अपनी पूरी लाइफ उसके नाम कुर्बान कर दी। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।